दोस्तों, जय हिंद, क्या हाल है। दोस्तों, अगर आप कोई भी रॉयल एनफील्ड की बाइक लेने की सोच रहे हैं तो आज आपको बताऊंगा कि किस बाइक पर कितनी वेटिंग पीरियड इस समय चल रहा है। जो पॉपुलर मॉडल्स हैं उनकी बात करूंगा, और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं खरीदते, उनकी मैं बात करूंगा। जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दिए भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और आपको सही डिटेल, सही नॉलेज अगर आपको चाहिए है बाइक के बारे में, या और भी बहुत सारी चीज़ें मैं अपने वीडियोस में लाता रहता हूँ, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ जो हमारा ब्लू डंडा ग्रुप है उसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप सिर्फ एक क्लिक करेंगे और डायरेक्टली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो एक चीज़ और है दोस्तों छोटी सी, वो बहुत सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वहाँ से आप क्लिक करके कुछ भी सर्च करके कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो छोटी सी हेल्प एक चैनल को मिल जाएगी। बात शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो मॉडल आता है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, वो आता है बुलेट सीरीज। बुलेट सीरीज का जो 350X मॉडल है, बुलेट है, और बुलेट 350ES है, ये अभी क्या है 15 से 20 दिन की वेटिंग पे चल रहा है, कहीं कहीं पर 1 महीने की वेटिंग भी इसकी चल रही है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये मॉडल मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर इसकी जो मतलब ये जो बाइक है ये अवेलेबल हो जाती है आराम से, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये ज़्यादा लंबी वेटिंग पीरियड पे नहीं मिल रहा, तो आपको आराम से ये बाइक मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मीटियोर की, बात कर लेते हैं मीटियोर 350 की। तो मीटियोर 350 की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1 महीने की वेटिंग जो है मीटियोर 350 के सभी मॉडल्स पे चल रहा है। अगर आप किसी बड़े शोरूम पर ट्राई करते हैं तो हो सकता है ये आपको 15 से 20 दिन में ही मिल जाए, लेकिन 1 महीने की स्टैंडर्ड वेटिंग जो है लगभग मीटियोर पे सभी मॉडल्स पर चल रही है। इसके बाद दोस्तों आती है क्लासिक 350। क्लासिक 350 के बहुत सारे मॉडल अवेलेबल हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कौन से वाला कलर, कौन से वाला मॉडल चुनें। एक स्टैंडर्ड मैं वेटिंग टाइम बता देता हूँ, अगर आप रेगुलर कोई मॉडल चुनते हैं, मान लीजिए आप बेस मॉडल में कोई भी कलर चुनते हैं जिसमें सिंगल चैनल ABS है और सिंगल डिस्क है, तो आपको बहुत जल्दी उसकी डिलीवरी मिल जाएगी, हो सकता है आपको हैंड टू हैंड ही वो बैग मिल जाए। अगर आप मान लीजिए सिग्नल्स की कोई सीरीज चुनते हैं तो उसमें वेटिंग पीरियड आपको ज़्यादा दे देना पड़ेगा। अगर वहीं पर मैं अगर बात करूँ आपको स्टेल्थ ब्लैक की या गन मेटल ग्रे की, तो यहाँ पर भी वेटिंग पीरियड लगभग 1 महीने का आपको देखने को मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल लेंगे, लेकिन ओवरऑल क्लासिक 350 की वेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 से 20 दिन में आपको आराम से कोई मॉडल मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े जो शोरूम हैं वहाँ पर भी जो क्लासिक 350 उसका स्टॉक जो है भर भर के आया हुआ है, आप आराम से जाइए वहाँ पर, डायरेक्टली उनसे परचेज कर सकते हैं। कई कई शोरूम पर मैंने ऐसे भी देखा है कि 5-7 दिन में ही क्लासिक का हर मॉडल अवेलेबल हो जा रहा है, आपको थोड़ा ट्राई करना है बस। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हंटर 350, जो इस समय पर भाई छाई हुई है, हर जगह पर उसने तहलके मचा रखे हैं, हर शोरूम पर बहुत सारे लोग उसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड का जो वेटिंग पीरियड है वो 1 से 1.5 महीने का बना हुआ है, और हर शोरूम पर, ज़्यादातर शोरूम पर 1 से 1.5 महीने की वेटिंग्स की चली चल रही है। अगर आप किसी बड़े शोरूम पर ट्राई करते हैं तो हो सकता है आपको 1 महीने की वेटिंग में या 25 दिन में आपको बाइक मिल जाए, लेकिन जो लगभग जो वेटिंग पीरियड है वो 1 से 1.5 महीने का बना हुआ है। किसी किसी शोरूम पर मैंने ऐसे भी देखा है कि 2 महीने तक की वेटिंग भी हंटर 350 पर चल रही है, तो हंटर 350 1 से 1.5 महीने के स्टैंडर्ड वेटिंग पे आपको मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्क्रैम 411 की, जो कि अगर आप मंगाते हैं तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। ज़्यादातर शोरूम, अगर कोई बड़ा शोरूम है तो स्टॉक अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाते ही ले सकते हैं, वरना तो आपको आराम से वो भी मिल जाएगी। हिमालयन की अगर हम बात करें तो हिमालयन का हर मॉडल लगभग 1 महीने और अगर स्टॉक में है तो वो भी आपको आराम से मिल जाएगा। और कॉन्टिनेंटल GT वगैरह की अगर हम बात करूँ, इंटरसेप्टर की मैं बात करूँ, तो ये भी आपको अगर स्टॉक में है तो हैंड टू हैंड मिल जाएगा, वरना 10 से 15 दिन में आपको आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों सारी रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स हैं उनका एक स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड मैंने आपको बताया है। ये जो मैंने टाइम आपको बताया ये ज़्यादातर शोरूम पर चेक किया है उसके बाद मैंने आपको बताया, हो सकता है किसी बाइक को जल्दी मिल जाए या हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाए, ये शोरूम टू शोरूम डिपेंड करता है। एक स्टैंडर्ड टाइम जो एक रेगुलर टाइम है वो मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।